गुड मॉर्निंग क्लास, श्री रीतन चौधरी महाविद्यालय से मैं आज आपके सामने बी फर्स्ट ईयर में जो हमारा टॉपिक है थिंकिंग, आज हम उसके बारे में, नेक्स्ट आपका लास्ट हेडिंग है टाइप्स, टाइप ऑफ थिंकिंग, प्रकार है ना, जिसमें कुछ चार प्रकार की थिंकिंग को बताया गया है। पहला है प्रत्यक्षण चिंतन, ठीक है, दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, तीसरा है कल्पनात्मक चिंतन और चौथा है तार्किक चिंतन, ठीक है। तो यानी कि जो थिंकिंग है वो फोर पॉइंट में डिफाइन हो सकती है, मतलब चार प्रकार से व्यक्ति किसी चीज को सोच सकता है, ठीक है। अब आप डिसाइड करिए कि आप किस प्रकार का चिंतन करते हैं। तो फर्स्ट है प्रत्यक्षण चिंतन, ठीक है। तो प्रत्यक्षण की अगर हम लोग बात करें तो बात क्या होती है, बात होती है आपकी क्या बोलते हैं, तो किन्हीं चीजों को पहचान करके आप कितनी जल्दी उसके बारे में चिंतन कर लेते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन वाली बात, आपने नई नई चीजें अपने वातावरण में कितने जल्दी नोटिस कर ली कि ये चीज ऐसी है, कल तो ऐसी नहीं थी, आज ऐसे क्यों है, आपने तुरंत उन चीजों में नोटिस कर लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने प्रत्यक्षीकरण क्या है कर लिया है, ठीक है। तो जब आप प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप उन चीजों का चिंतन प्रत्यक्षीकरण के रूप में बता रहे हैं, मतलब अपने आसपास की चीजों को नोटिस करते हैं और नोटिस करने के बाद आप उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अगला है प्रत्यात्मक, ठीक है। तो प्रत्यात्मक की अगर हम बात करें तो क्या मतलब होता है, यानी कि किन चीजों को प्रतीक के रूप में जाना, ठीक है। तो प्रत्यात्मक की अगर हम बात करते हैं तो मैटर क्या करती है चीजें, मैटर होता है कि आपका किन चीजों को आप कॉन्सेप्ट बेस्ड समझ रहे हैं, ठीक है। हर चीज का एक संप्रत्यय होता है, वार्ता मानते हैं ना, तो अगर आप उनके अंदर उसके उसके कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करते हैं तो प्रत्यात्मक थिंकिंग होती है, ठीक है। जब आपके पूरे बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा है तो क्यों है, आखिर ये है तो क्यों है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है, क्या इससे मैच करती है क्या मैच नहीं करती है, ये आपका है सेकंड। थर्ड है कल्पनात्मक चिंतन, ठीक है। तो कल्पनात्मक चिंतन होता है इमेजिनेशन करके सोचना, तो जब हम अपने मस्तिष्क में बहुत सारे थॉट्स को इंक्लूड करते हैं, पूरा विचारने की सोचने समझने की कोशिश करते हैं और तब जाके हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, उसे कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कल्पना, ठीक है, इमेजिनेशन। जब हम कल्पना करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सबसे बड़ी एग्जांपल आपके लिए है, आप जो कुछ भी यहाँ पढ़ते हैं, चाहे क्लास में पढ़े या आप ऑनलाइन पढ़े, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप इसी चिंतन का यूज करते हैं, कल्पनात्मक चिंतन का, ठीक है। तो कल्पनात्मक चिंतन में सिंपल सी बात, उस टाइम पे आप इस क्लास को याद करेंगे कि जब हम उस क्लास में थे तो क्या चीजें थी क्या नहीं थी, तो उसे कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन, ठीक है। तो कल्पनात्मक चिंतन में व्यक्ति अपने आप को, अपना उसका शरीर तो वही रहता है जहाँ वो है, लेकिन उसका मस्तिष्क या दिमाग उस जगह भेजने की कोशिश करता है जिस जगह एक तरीके से वो पहले था जब उसने ये चीज सीखी थी। कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, कोई क्वेश्चन आपको मिला पेपर में, अब आपने सोचा हमें याद तो है लेकिन बहुत दिनों पहले याद किया था, आप एग्जैक्टली याद करने की कोशिश करें वास्तव में इसमें क्या क्या पॉइंट हमने इंक्लूड करे थे, अब आप उसका कल्पनात्मक चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे सोच के समझने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसका उत्तर आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तार्किक चिंतन, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो तार्किक चिंतन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बात क्या होती है, बात होती है लॉजिक की, ठीक है, कि कौन सा लॉजिक किस फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब बात करते हैं लॉजिक की तो लॉजिक का मीनिंग क्या है, लॉजिक का मीनिंग सिंपल सा है कि आप हर चीजों का विश्लेषण बारी बारी पूरा विश्लेषण करते हैं और उसके बेस पर आप एक फैक्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजों के बीच में संबंध देखने की कोशिश करेंगे और जब एक रिजल्ट सभी का निकल के आ जाएगा तो वो आपको क्या होगा, वो आपका होगा तार्किक चिंतन, ठीक है। अब बात करते हैं पदों की, यानी कि स्टेप्स की, क्या क्या स्टेप होते हैं थिंकिंग के, तो थिंकिंग में कौन कौन से पद आपको प्रयोग करने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है समस्या का आकलन, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है, आप किस समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं और किसके बारे में आप थिंकिंग करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम ही अच्छे समझ में नहीं आ रही, आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि अगर क्या प्रॉब्लम है क्या, तो आप सॉल्यूशन क्या कर लेंगे, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मेन बात है कि समस्या जो है, पहले तो समस्या समझिए कि समस्या आखिरकार है क्या, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तथ्यों का संकलन, ठीक है, तो बात करने हम लोग आएगी तथ्यों के संकलन की, यानी कि
जब भी हम समस्या चुनते हैं तो समस्या के समाधानों के लिए हमें तथ्य निकालने होते हैं, ठीक है। तो तथ्य ही हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब हम तथ्य चुनते हैं यानी कि हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तथ्यों तथ्य किससे बेस्ड होते हैं, वो होते समस्या पे बेस्ड, ठीक है। जो समस्या निकल के आती है वो ही तथ्यों को बताती है, ठीक है। तो ये अगला है निष्कर्ष, यानी कि आपने समस्या चुन ली कि हम किसके बारे में चिंतन करना चाहते हैं। समस्या चुनने के बाद आपने फैक्ट को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। कौन कौन से फैक्ट उस चीज में इकट्ठे या उसके लिए लॉजिकल है, ठीक है, आपने ये भी कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं निष्कर्ष की, यानी कि अब आप पूरा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम के तथ्य देखिए और वो तथ्य सॉल्यूशन के लिए सही बैठ रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष सही निकल रहा है कि नहीं। अब आप बोल सकते हैं तीनों चीजें जब मिल जाती हैं, यानी कि आप समस्या भी समझ जाते हैं बारीकी से, पहले पूरे डीप फॉर्म में समस्या समझो कि सामने वाले की समस्या क्या है, फिर समस्या का संकलन यानी कि तथ्यों का संकलन, उस समस्या के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन बेस्ट हो सकते हैं, 5 से 7 सॉल्यूशन अपन लोग उसके निकाल लो, वो बेस्ट सॉल्यूशन होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका निष्कर्ष के, मतलब हम कहते हैं अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 5 जो चीजें हैं वो रख ली हैं, तो 5 को रखेंगे तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट है निष्कर्ष है वो क्या होगा आपका, वो एक तरीके से ये डिपेंड करेगा कि अगर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है, अगर वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता दूसरे नंबर का सॉल्यूशन सेकंड बेस्ट उसको उससे सॉल्व कीजिए, अगर उससे नहीं है थर्ड बेस्ट है। ऐसे ऐसे हम 4 से 5 अल्टरनेट बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उनमें से जो एक बेस्ट होता है वो हमारा निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष निकल आता है, फिर हम उसका परीक्षण करते हैं कि वास्तव में इसका सॉल्यूशन दे भी रहा है या नहीं, ठीक है। जब हम उसके सॉल्यूशन को भी चेक कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट ठीक है। ओके, थैंक यू।